दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के बीटेक फर्स्ट ईयर के नए एडमिशन फॉर्म 2024-25 की काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आप लोगों को बता दें, जिन स्टूडेंट ने महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से बीटेक फर्स्ट ईयर में एक नया एडमिशन फॉर्म को अप्लाई किया, उन स्टूडेंट की यहां पर काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कब आपको काउंसलिंग करानी है, काउंसलिंग कराते वक्त आपके पास क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किन किन स्टूडेंट का यहाँ पर काउंसलिंग के लिए नंबर आया है, इन सब के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। सो अगर आप लोग भी ये वीडियो को कंप्लीटली देख लेंगे, उम्मीद पूरी करते हैं आप लोग भी बीटेक के फर्स्ट ईयर की पहली काउंसलिंग करा पाएंगे और साथ में पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें क्लियरली कह दिया है कि अब आपको काउंसलिंग कब करानी है और किन स्टूडेंट को करानी है। उसके बारे में जानने के लिए आपको डायरेक्टली MJPRU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर MJPRU.ac.in पे आने के बाद डायरेक्टली आपको एक ऑप्शन मिलेगा पॉपअप जैसा कि बोल सकते हैं, और यहाँ पर लिखा है लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा काउंसलिंग डेट फॉर बीटेक एडमिशन 4/7/2024। तो डायरेक्टली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने फॉर्म को अप्लाई किए थे, उनकी पहले राउंड की काउंसलिंग यहां पर स्टार्ट कर दी गई है, जैसा कि ऑफिशियल नोटिस यहां पर देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास कुछ इस तरह का मेल रिसीव हुआ है, उन्हीं स्टूडेंट को यहां पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो अगर आपके पास भी ये वाला मेल अगर रिसीव हुआ है तो आप लोगों को भी काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर पर इनका नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, काउंसलिंग डेट बीटेक एडमिशन महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस बरेली 2024-25 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग शेड्यूल प्लेस वन प्लेस की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग यहाँ पर है। पहला कि आप लोग देख सकते हैं जीमेल के माध्यम से जिन स्टूडेंट ने फॉर्म को अप्लाई किए थे, उन स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिशन के लिए बुलाया गया है। तो जीमेन की आपको रैंक देखनी है। अगर आप लोग भी 1 से लेकर 4 लाख तक हैं तो आपको यहां पर 20/7/2024 को बुलाया गया है। 10 बजे से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1 बजे तक आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग 4 लाख 1 से लेकर 7,50,000 के बीच की आपकी रैंक है तो आपको 22 तारीख को जाना है, टाइमिंग सेम रहेगा। और अगर आपकी 7.5 लाख से लेकर 14 लाख के बीच की रैंक है तो आपको यहाँ पर 23 तारीख को जाना पड़ेगा, टाइमिंग वही है। 14 लाख से ऊपर की है तो आपको दोस्तों यहाँ पर 24/7/2024 को जाना पड़ेगा और टाइमिंग आपका वही रहेगा। इसके अलावा टाइमिंग और आपने रैंक तो समझ लिया। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट यू आर रिक्वायर्ड विद ऑल जीरोक्स एंड ओरिजिनल कॉपी। आप लोग देख सकते हैं इन्होंने क्लियरली लिखा है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले जाने हैं वो आपको यहाँ पर ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों, यानी फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों आपको ले जाने हैं। इसके बाद आपकी सीट अलाटमेंट हो जाएगी और आपको यहाँ पर फीस की नीड आपको देनी पड़ेगी। फीस आपको तुरंत अपडेट करनी पड़ेगी। फीस आपको पे कैसे करनी है, कितनी करनी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि आपको बुलाया जाता है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर काउंसलिंग, यहाँ पे देखिएगा अगर आप लोग भी बीटेक की काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो आपके पास ओरिजिनल और कॉपी फोटोकॉपी जरूर होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। पहले नंबर पे आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे इंटरमीडिएट की मार्कशीट, तीसरे नंबर पे आधार कार्ड, चौथे नंबर पे आपका जीमेन का स्कोर कार्ड चाहिए होगा, पांचवें नंबर पे अगर आप लोग भी ओबीसी एससी एसटी से हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप लोग जनरल कास्ट से हैं और आपने ईडब्ल्यूएस के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई किया तो आपको यहाँ पे अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, साथ में आपको अपनी फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। यदि आपका कोई 1 साल का 2 साल का गैप है तो आपको यहाँ पर गैप एफिडेविट देना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे एडमिशन के टाइम, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
इसके अलावा जो तो मैंने डॉक्यूमेंट की बात तो कर ली, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ये समझिएगा, जैसा कि अगर आपका यहाँ पर नाम आता है तो आपको यहाँ पर कितना फी पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एकेडमी फीस डिटेल फॉर जनरल एंड ओबीसी। अगर आप लोग जनरल ओबीसी से हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको 8,300। अब बात करेंगे कि अगर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पर फी पेमेंट कितना करना पड़ेगा और किसके माध्यम से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एकेडमी फीस डिटेल फॉर जनरल ओबीसी, अगर आप लोग भी जनरल ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ पर 83,450 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और ये पेमेंट आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको MZP RU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के नाम से बनवाना है और ये आप लोग किसी भी बैंक में जाके बनवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप लोग भी SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपकी फैमिली की इनकम 2,50,000 रुपये से ऊपर है, इस 2,50,000 रुपये से ऊपर का इनकम सर्टिफिकेट है तो भी आपको यहाँ पर 83,450 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और ये पेमेंट आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर और देखिएगा कि अगर आप लोग SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको यहाँ पर केवल 8,450 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा जो कि MJP RU के नाम से बनेगा। तो फाइनली ये था कुछ BTech फर्स्ट ईयर के काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का शेड्यूल का कंप्लीट प्रोसेस जो कि इस वीडियो में आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।